हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? अ रैशनल नंबर इज सच दैट When you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? इसने बोला है एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इज सच दैट वेन यू मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करना है रैशनल नंबर में 5/2 का, ठीक है, और उसमें एड कर देना है 2/3 को, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट को करने के बाद हमें जो है आंसर मिलता है यू गेट -7/12, ठीक है। तो जो हमने नंबर माना है वह क्या होगा, यही निकालना है, वह रैशनल नंबर क्या होगा, ठीक है। और रैशनल नंबर, जैसे हमने रैशनल नंबर हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है, रैशनल नंबर हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसी रैशनल नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x हमने रैशनल नंबर माना, उसी में हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, ठीक है, और उसी और जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना है 2/3 को, ठीक है। और तो हमें आंसर में क्या रहा है, यू गेट -7/12, ठीक है, -7/12। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह रैशनल नंबर क्या था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है पहले मल्टीप्लाई करना, इसने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसने बोला सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे डिवाइड होता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और नीचे का जो है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे जैसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 3 15x हो गया, 2 2 4 हो गया प्लस, और 2 3 6 हो गया, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू -7/12, ठीक है। और इसी को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, 5x/2 लिखा हुआ है प्लस 2/3 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से भी, इसका एलसीएम 6 होगा और 2 3 6 5 3 15x हो गया वैसे भी, और 3 2 6 2 2 4 ऐसे भी हो गया, 15x+4 आ गया /6 15x+4/6 इस तरीके से भी आया है, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, 6 2 12, यहाँ -7/2 आ गया है अब, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल का सिंबल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ 1 आया हुआ है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 15x के साथ, तो हो जाएगा 15 2 30x हो जाएगा प्लस 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 7 1 7, ठीक है, इक्वल टू हम -7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो आ गया होगा, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 30x है वेरिएबल के साथ, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस 8 जो है यहाँ जो है ऐड हो रहा है, तो ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा -8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 7 -- प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस में रहेगा, ठीक है। अब यह लिख सकते हैं 30x इक्वल टू, यहाँ 30x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -15/, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 1 15, 15 2 30, ठीक है, ठीक है।
और माइनस वाला सिंबल यहां लगा देंगे, तो x इक्वल टू आ गया है माइनस वन बाई टू, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो वह रैशनल नंबर होगा माइनस वन बाई टू। बात समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाय।